हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अपन जो हॉर्टिकल्चर की क्लासेस चल रही थी उसमें अपने पास पाँचों और छठा लेक्चर चल रहे थे। ठीक है, अपने पास पिछले चार लेक्चर कंप्लीट हुए, इसके बाद में अपना आज पाँचवा और छठा लेक्चर चल रहे थे। ठीक है, तो पाँचवें छठवें लेक्चर के अंदर अपने पास दो क्लास हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में अपन आज तीसरी क्लास लेते हैं। तीसरी क्लास में अपन जैसे ग्राफ्टिंग की विधि देखेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से अपन ग्राफ्टिंग पौधों के अंदर करते हैं, इससे ग्राफ्टिंग करके अपन नए पौधे का निर्माण कैसे किया जाता है, तो अपन ग्राफ्टिंग विधियों के अंदर देखेंगे। तो अपन क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, और इसके अंदर से जो अपना टॉपिक था कि प्लांट प्रोपोगेशन एंड मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर से अपने पास तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, या तो कृषि प्रवेशक वगैरह या जेट ले लो या सीयूटी ले लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है ये अपना जो टॉपिक है प्लांट प्रोपोगेशन मेथड। ठीक है, इसके अंदर से अपने को विधियाँ पूछ लेते हैं कि ये किसकी, इसमें कौन से फल के अंदर ये ग्राफ्टिंग की जाती है, कौन से फल के अंदर नहीं की जाती, कौन से फल के अंदर भी ग्राफ्टिंग की जाती है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, हार्डवुड कटिंग, ऐसे कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेते हैं, या तो कृषि प्रवेशक ले लो या फिर जेट सीयूटी किसी में भी ले लो। ठीक है, तो अपन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और बस आपका इतना ही काम है कि आप जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस ओनली आप ध्यान देते जाइए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और आप साथ साथ उनके अनुसार जैसे जैसे मैं आपको बस ओनली अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको समझा समझा के पढ़ाऊँगा, आपका बस ओनली ये काम है कि आप मतलब साथ साथ कॉपी में नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो अपन क्लास शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर की प्लांट प्रोपोगेशन एंड मेथड, अपना लेक्चर है पाँच और छठा, उसके अंदर क्लास अपनी थर्ड क्लास, क्लास कौन सी अपनी, क्लास थर्ड है अपनी। ठीक है, और अपन आज थर्ड क्लास के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे पाँचवें और छठे को। ठीक है, क्योंकि पाँचवें छठा मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्यों लिए, क्योंकि पाँचवें और छठा अब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए अपन पाँचवें और छठे लेक्चर को साथ लिए। ठीक है, तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर बंदे तक पहुंच सके। ठीक है, तो मैं बता दूँ अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर जो अपना हॉर्टिकल्चर का कोड होता है वो हॉर्टिकल्चर का कोड होता है HORT 111। HORT 111 का मतलब होता है BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। ठीक है, और अपन चलते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर प्लांट प्रोपोगेशन एंड मेथड। मेथड्स, ठीक है, अब देखते हैं अब इसके अंदर ग्राफ्टिंग की विधियां, मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो आप साथ साथ उतारते जाए, इसके अंदर ये दो भागों में बटी जा सकती है, जो अपनी ग्राफ्टिंग होती है वो कितने भागों में बांटते हैं अपन, दो भागों में। अपन पहले देखते हैं ग्राफ्टिंग या डिटेच मेथड। इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, इस विधि में शांकुर शाखा को उन्नत किस्म के पौधे से तोड़कर मूल वृंत पर रोपा जाता है। इस विधि में शाखा को पेत्रक पौधे से पूर्णतया अलग करने के पश्चात विभिन्न विधियों से रोपण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन सेकंड है, एक तो ये ग्राफ्टिंग हो गई डिटेच मेथड, इसके बाद में अपन दूसरी लेते हैं बेट कलम इनार्चिंग या अटैच मेथड, या तो भेट कलम ले लो या इनार्चिंग ले लो या अटैच मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, इस विधि के अंतर्गत मूल व्रंत वाला पौधा शांकुर वाले पौधे से तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि दोनों से पूर्ण जुड़ाव न हो जाए, इसलिए इस विधि को अटैच मेथड या अप्रोच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, अप्रोच या ग्राफ्टिंग विधि भी कहते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उतारते जाइए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझाने की ज़्यादा बोर्ड पर लिखाने की क्रिया कोई मायने नहीं है, क्योंकि अपन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो इस पर काफ़ी लंबी हो जाएगी अपनी क्लास, इसलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए और क्लासों को नोट करते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, सॉरी। इसके बाद में इनार्चिंग में मूल व्रंत को वांछित गुणों वाले पौधे के पास ले जाते हैं। मूल व्रंत या तो खेत में, क्यारियों में या फिर गमलों में बीज में गुठली का कटिंग आदि लगाकर तैयार किए जाते हैं। फिर शांकुर वाले मातर वृक्ष का चुनाव किया जाता है। मूल व्रंत पर जमीन से 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तने के मध्य 5 सेंटीमीटर की लंबाई से चाकू से काट जाता है। जब मूल व्रंत से 22.25 सेंटीमीटर, मान लो अपने पास ये कोई पौधा है, ठीक है,
ये पौधा गया और यहाँ पे मिट्टी हो गई, ये जड़ी हो गई, तो इस जो मिट्टी से अपन 22 सेंटीमीटर लेते हैं तने को, 22.5 सेंटीमीटर लेते हैं। अब इस 22.5 सेंटीमीटर को अपन इस प्रकार काटेंगे कि इसके अंदर दे रखा है 22.5 लेने पर इसके बाद में 5 सेंटीमीटर की लंबाई से, मतलब 22 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद में अपन इसको 5 सेंटीमीटर की दूरी से अपन इनको काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे कि छाल के अंदर वाले लकड़ी का भी कुछ भाग कट जाता है, मतलब इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर के अपन छाल काट लेंगे 22.5 सेंटीमीटर के समान, ठीक है। तो उसके मतलब जहाँ पे 22.5 हो रही है वहाँ पर अपन 5 सेंटीमीटर की छाल को उतार लेंगे। छाल के साथ क्या है कि इसकी जो तना की वो आती है ना ग्रंथि वगैरह, वो भी कट जाती है, इसका तने का भाग भी थोड़ा बहुत कट जाता है। उसके बाद में है मूल व्रत का ऊपरी भाग कटाव के बाद जो का त्यों बना रहता है, इस कटाव के बराबर लंबाई का एक कटाव चुनी हुई शाखा उस स्थान पर लगाते हैं। जैसे मतलब कटी हुई कोई शाखा ले लेते हैं या जड़ लेते हैं या पत्ती ले लेते हैं या कोई भी टहनी ले लेते हैं, तो ठीक है यहाँ पे अपन 5 सेंटीमीटर से काटते थे इसको, 22.5 सेंटीमीटर की तने की ऊंचाई से लेकर अपने 5 सेंटीमीटर की काटे थे, ठीक है। अब इस 5 सेंटीमीटर की जगह पर अपन काटे थे वहाँ पर अपन क्या करेंगे, या तो कोई कलम ले लेंगे या फिर अपने पास जैसे जड़ ले लेंगे या पत्ती ले लेंगे, इसको अपन यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लगाने के बाद में अपन कोई धागे वगैरह से या किसी से अपन इसको बांध देते हैं ऐसे, ठीक है। जब तक नहीं अपन इसको खोलते जब तक इसमें फूटान वगैरह पैदा नहीं हो जाता, दूसरा पौधा का निर्माण नहीं हो जाता। इसमें क्या है कि जैसे अगर इसमें ऐसे लगा देते हैं अपन, ठीक है, तो इस मातृ पौधे के इसमें अंदर गुण आ जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें गुण होते हैं मातृ पौधे में, वैसे ही अपन जो दूसरा पौधे का निर्माण करते हैं उसी पौधे में भी वैसे ही गुणे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है दोनों कटाव वाले भागों को ठीक तरह से मिलाकर सूतली या अलगथाने की थैली से बांध, मैं अभी बताया था आपको कि यह धागा या सूतली से दोनों शाखाओं को बांध देते हैं एक जगह से, ठीक है, क्योंकि इससे गिरने का संभावना कम हो सके। इसके बाद में है चाकू तेज धार वाला होना चाहिए ताकि काट एक ही बार में बन जाए, मतलब ऐसा है सिस्टम है इसके अंदर कि अपन जैसे पौध ये तैयार हो जाता है अपने पास, जो अपन कलम वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वो अगर तैयार हो गई तो अपने पास चाकू ऐसी धार वाले लेना चाहिए जो ऐसे इसको काटने पर क्या कि एक बार में कट जाए, इसको बार बार नहीं काटना पड़े, ऐसे जैसे इसको काट कर ऐसे काट के, ठीक है, कहीं पर भी अपन लगाए, ठीक है, तो उसमें अंदर क्या है कि फूटान वगैरह जल्दी वर्दी हो पौधे के अंदर और अच्छी क्वालिटी का अपने को प्रोडक्शन प्राप्त हो। उसके बाद में है लगभग 2 माह बाद मूलव्रत को जोड़ से 15 सेंटीमीटर ऊपर तथा शाखाओं को जड़ से 15 सेंटीमीटर नीचे से काट देना चाहिए। मैं अभी बताया था इसको 15 सेंटीमीटर से काट लिया जाता है और फिर दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है जिससे अपने पास नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये कार्य एकदम न करके धीरे धीरे करना चाहिए, मतलब ये कार्य एकदम मतलब जल्दी से न करके इसको धीरे धीरे करना चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है। अगर मान लो अपने ऐसे जड़ों को काट दे इसमें तो फिर क्या कि एक बार जड़े कटने के बाद में कुछ नहीं रहता। अगर जैसे मान लो अगर आपके पैर काट दिए जाए तो आप चल कैसे पाओगे, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, अपन कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके लिए जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ किसके आधार पर करा रहा हूँ, अपने टांगों के, तो अपने पास जो पेड़ की जड़ें होती है वो इसकी अपनी टांगें होती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ वैसे इसकी जो जड़ें होती हैं वही इसके काम आती है वर्दी वगैरह के लिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको आज यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरी टांग है इसलिए, ठीक है। अपन चलते हैं आगे, ये कार्य ये हो गया अपने पास, ताकि पौधे के मूल पौधे से पोषण जारी रहने से एक का एक ही बंद होने में मर नहीं जाए, ठीक है। इसके बाद में बेट कलम विधि का उपयुक्त समय वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में, जो अपन बेट कलम करते हैं उसमें क्या है कि वर्षा ऋतु के अंदर जो जुलाई अगस्त के अंदर करनी चाहिए अपने को, कब करनी चाहिए जुलाई अगस्त में। ठीक है, यह विधि आम अमरूद आंवला आदि में बहुत ही सफल रही है, किंतु यह विधि श्रेष्ठ होते हुए भी अधिक समय व श्रमदार्य के कारण लोकप्रिय कम है। इसमें अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर श्रम ज़्यादा लगती है, यह मतलब श्रम साध्य है, इसलिए इसके अंदर यह ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ठीक है, यह लोग साथ ही मातृ पौधे से एक साथ अधिक पौधे तैयार नहीं किए जाते। इससे क्या कि जब अपन मातृ पौधे से दूसरे पौधे निर्माण नहीं किए जाते अपने अधिक पौधे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक पौधे से अपन ज़्यादातर पौधे नहीं प्राप्त सकते, जैसे यहाँ पे काट 22.5 सेंटीमीटर से लगाए थे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर एक गाँव कर लेते हैं अपन, जैसे चक्कू से काट लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या कि जैसे कोई टहनी वगैरह लाते हैं और इसके पास में ऐसे चिपो के और फिर इसे सूतली के धागे से इसे बांध देते हैं, ठीक है,
ऐसा होता है इसके अंदर। तो अपन इसके अंदर ज़्यादा प्रोपोगेशन भी नहीं करवा सकते, मात्र पौधे से एक ही पौधे तैयार नहीं की एक पौधा तैयार होता है। सॉफ्ट रूट ग्राफ्टिंग, इसमें मूलव्रंत को अमल होता है। जो सॉफ्ट रूट ग्राफ्टिंग होता है उसके अंदर क्या है कि मूलव्रंत को अमल होता है। इसके बाद में है तभी इसी विधि में शांकुर की नई व कोमल शाखा को मूल वरंत में लगा देते हैं। वेज के आकार का कटान करके संकुल के निचले हिस्से में भी ऐसा ही कटान करके उसमें रोपण कर बांध देते हैं। ठीक है, यह एक नवीन विधि है जिसे विशेष रूप से आम की उन्नत किस्म के प्रशासन बांध देते हैं। यह एक नवीन विधि है जिसे विशेष रूप से आम की उन्नत किस्म के प्रसारण के लिए। जो सॉफ्ट रूट ग्राफ्टिंग है वो अपने पास किस में करते हैं, सॉफ्ट रूट ग्राफ्टिंग ये करते हैं अपने आम के अंदर, किसके अंदर, आम के अंदर, ओनली आम के अंदर। ये बहुत ही आम के अंदर प्रचलित है ये विधि। अब चलते हैं अपने वीनियर ग्राफ्टिंग की तरफ। अगला है अपना यह है एक सरल तथा सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है। यह वीनियर ग्राफ्टिंग है जो एक सरल एवं सबसे लोकप्रिय विधि है। बेट कलम की अपेक्षा यह बहुत क्रम श्रम साध्य होती है, सरल विधि है। जो अब इसके अंदर क्या है कि श्रम की या मजदूरों की कम आवश्यकता होती है और ये एक लोकप्रिय विधि है। कौन सी विधि है लोकप्रिय, कौन सी, मतलब वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें ओजस्वी मूलव्रंत का चयन आवश्यक है। इसमें ओजस्वी मूलव्रंत का चयन आवश्यक है इसके अंदर। इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के मूलव्रंत का चयन आवश्यक है, ओजस्वी का मतलब। ठीक है, 22 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक वर्ष आयु की पेंसिल के आकार के मोटाई के मूलव्रंत का चुनाव किया जाता है। कलम बांधने के लिए मूलव्रंत में ऊपर से 3 सेंटीमीटर लंबा कटाव देते हैं। छाल तथा कुछ लकड़ी सहित छीलकर तिरछा काटते हैं। काटते हुए कटे हुए भाग के निचले छोर को ज़्यादा गहराई तक काटते हैं। इतना ही लंबा तथा इसी प्रकार का कुछ तिरछा कटाव शांकुर के निचले हिस्से में दिया जाता है ताकि वह मूलव्रंत के कटाव पर पूरी तरह आ जाए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कटे हुए भाग खुले नहीं रहे जाए तथा इस भाग में कोई रिक्त स्थान नहीं रहा। फिर दोनों को मिलाकर अल्कातीन की पट्टी से कसकर बांध दिया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त समय है जुलाई माह। इसके अंदर उपयुक्त समय है कौन सा माह, जुलाई माह। इसके बाद में है अगला वेज या क्लेप्ट ग्राफ्टिंग। इसमें लगाने वाले शांकुर के निचले हिस्से को आगे से नुकीला छीलकर खूंटे आकार देते हैं। इसके अंदर जो क्या है कि जो इसके अंदर अपन नुकीले आकार के छल्ले बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्षतिग्रस्त भाग को हटाते हुए कई शांकुर टहनियों को उनके दोनों हिस्सों को छिपाकर इस प्रकार लगा देते हैं कि ये भाग ढके जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कलिकायन विधि, बडिंग मेथड्स। ठीक है, बडिंग मेथड्स के अंदर देर का अपने को इस विधि का पेबंद या चश्मा लगाना भी कहते हैं। जो कलिकायन विधि या बडिंग विधि है इसको पेबल या अपन चश्मा विधि भी कहते हैं। यह वास्तविक प्रवर्धन, यह वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियों में सबसे बाद में विकसित की जाने वाली तकनीकी को में से एक है। जो अपन वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा करते हैं उनमें से लास्ट की एक ही है विधि है प्रचलित। राजस्थान जैसी परिस्थितियों में तो अपेक्षाकृत अन्य विधियों से ये ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधि है। जी राजस्थान में अधिक मतलब जो तकनीकें अपनाई जाती हैं उनमें से तो सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वोत्तम विधि। इस विधि में ग्राफ्टिंग की तरह मूलव्रंत में शांकुर को छोड़कर उन्नत किस्म का निर्माण किया जाता है, परंतु दोनों में फिर भी कुछ मूलव्रंत अंतर है। कलिकायन की विभिन्न विधियाँ अपन देखते हैं, कलिकायन की कौन कौन सी विधियाँ। टी बडिंग, टी बडिंग के अंदर दे रखा है इस विधि, इस पद्धति में 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मूलव्रंत पर 3 सेंटीमीटर लंबा अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का काट लगा देते हैं, इसलिए इसे टी बडिंग कहते हैं। शाखा में शील्ड का आकार देकर 3 सेंटीमीटर लंबी कलिका से को निकालते हैं, इसलिए इसे सिविल बिल्डिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की इच्छित शाखा से 3 सेंटीमीटर लंबाई की छाल सहित कलिका निकाल लेते हैं।
तथा मूल व्रंथि में चाकू की सहायता से छाल की छाल सहित कलिका निकालते लेते हैं। अब इसके अंदर दे रखा है बिठाई हुई कलिका को मूल व्रंथि की उठाकर ढीला करके कलिका को बैठा देते हैं। बिठाई हुई कलिका को मूल व्रंथि की छाल से ढककर अलकातीन की पट्टी से बांध दिया जाता है। कलिका मुँह बाहर की ओर छाल से ढककर अलकातीन की पट्टी से बांध दिया जाता है। उसके बाद में करते हैं अपन कलिका मुँह बाहर की ओर खुला रहता है, ठीक है। इसके अंदर टी बडिंग के अंदर ऐसा करते हैं अपन टी आकार के लेते हैं ऐसे, ये टी का आकार की टी बडिंग हो गया ना। इसके बाद में अपन चलते हैं पेच बडिंग। पेच बडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं पेच बडिंग, इस विधि में मूल व्रंथ पर 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आयताकार छिलका से 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी निकाल लेते हैं। अब शंकु डाली से इसी आकार की आयताकार कली को छिलका कली सहित अलग कर लिया जाता है। कली आयताकार छिलके के मध्य में होनी चाहिए। फिर कलिका को मूल व्रंथ के कटे हुए भाग पर रखकर पॉलीथीन की थैलियों से बांध देते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कलिकाओं को क्या कि जैसे ऐसे मात्र पौधा होता है, ठीक है, तो अपन कलिकाओं को ऐसे जैसे मान लो कि यहाँ पे कटे हुए स्थान पर यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे, उस पर उसके बाद में क्या करते हैं अपन इसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। फिर पॉलीथीन से बांधने पर जैसे ये मान लो नमी वगैरह या अपन थोड़े दिनों में तैयार हो जाती है, फूटान वगैरह हो जाती है, इसमें अच्छी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अच्छी वृद्धि होने के बाद में इसको अपन जैसे काट लेते हैं, अच्छे प्रकार के कोई चाकू आना चाहिए धार वाला, उसे काट के अपन एक ही बार में इसको चाकू से काट लेते हैं, फिर दूसरी जगह लगा देते हैं, तो एक मात्र पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास है रिंग बडिंग या छल्लेदार कलिकायन विधि। रिंग बडिंग के अंदर अपन देखते हैं रिंग बडिंग, इधर ले लेते हैं रिंग बडिंग। रिंग बडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं इस विधि में चयनित किस्म के अच्छे व स्वस्थ पौधे से उपयुक्त शंकुर छांट लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि अपने को अच्छे क्वालिटी के शंकुर शाखाएं लेनी चाहिए पौधे से, ठीक है। उसके बाद में जिस पौधे में यह विधि अपनाई होती है उसके मूल व्रंथ से चारों ओर से आधा इंच का छल्ला उतार लेते हैं कि अपन जिस मूल व्रंथ से अपन चिपकाएंगे इसको, ठीक है, शंकुर शाखा को, तो उसको अपन आधी मतलब इसके अंदर दे रखा है अच्छे उपयोग सांग उठाने से जिन पौधों में अपनाई जाती है मूल व्रंथ से आधा इंच का, मतलब आधा इंच का ऐसे मान लो ये अपनी सांकुर मूलांकुर शाखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे अपन सांकुर शाखा लगाएं तो इसके अंदर क्या है कि अपने को आधा इंच का ऐसे छल्ला बनाने लगा चाहिए। अब ऐसे छल्ला बनाने के बाद में जैसे सांकुर अच्छी क्वालिटी का लगा के इसमें यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसको अपन पॉलीथीन से बांध देते हैं, ठीक है। ऐसा है इसमें रिंग बडिंग के अंदर। रिंग बडिंग के अंदर कुछ नहीं करना, अपने को आधा इंच का एक छल्ले आकार का ऐसे कटान लगाना चाहिए। उसके बाद में चिप बडिंग। चिप बडिंग के अंदर यह विधि उन वृक्षों में काम में ली जाती है जिनके अंदर छाल लकड़ी से अलग नहीं होती। यह जो चिप बडिंग है, चिप बडिंग ऐसी होती है कि जैसे अंदर की जो छाल होती है वो छाल अपने तने से अलग नहीं होती। जैसे ये मान लो इसकी ये ऊपर छाल होती है वो क्या है कि तने से अलग नहीं होती, ऐसे तने से अलग नहीं होती, चिपकी रहती है, तो उसे चिप बडिंग कहते हैं। इसके बाद में फोर्क बडिंग। फोर्क बडिंग में अपन करते हैं यह विधि भी पेच बडिंग की तरह है परंतु इसमें मूल व्रंथ से आयताकार छाल का प्रकार हटाते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो उसके अंदर तो अपन कहते हैं मूल व्रंथ के अंदर छल्ले के आकार की, ठीक है, इसके अंदर अपन आयताकार ले लेते हैं, ऐसे काटान लगाते हैं मूल व्रंथ के अंदर, ऐसे मूल व्रंथ आ गया, इसके अंदर आयताकार कट लगाते हैं, ठीक है, कि वह नीचे से जुड़ी रहे काली चढ़ाने के बाद में कली बांधकर इसे छाल से ढककर बांध देते हैं कि इसे आयताकार लगा के फिर इससे शंकुर शाखा को लाकर मिलाकर फिर जो इसके अपन छाल उतारते हैं वो छाल इसके ऊपर वापस रख के फिर उसको अलकातीन की थैली या फिर थैलियों से बांध देते हैं, ठीक है। कली चढ़ाने के 3 सप्ताह बाद ऊपरी छाल को हटा देनी चाहिए। जब अपन कली चढ़ाते हैं उसके 3 सप्ताह बाद में अपन को जैसे मान लो 7 या 21 मतलब 20-21 दिन पर इसकी छाल को हटा देनी चाहिए। उसके बाद में अपन है यह अमरूद की प्रवर्धन की काफ़ी सफल विधि है। यह किसकी विधि है? रिंग बडिंग अमरूद के अंदर। आपको पूछ ले कृषि प्रवेशक के अंदर की जेट के अंदर भी पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चनों में कि अपने पास जो रिंग बडी है वो सबसे सर्वोत्तम विधि किसके लिए या प्रचलित किसके लिए है, वो है अपने पास अमरूद के लिए। और जो मैं ये करवा रहा हूँ रिंग बडिंग वगैरह, चिप बडिंग वगैरह, फोर्क बडिंग द्वारा या कलिकायन, ये क्या कि अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आने वाला है क्वेश्चन, उसमें से या तो 4 या
छः नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही बहुत फायदेमंद है। और आपको इसके अंदर से मतलब जो रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक आते हैं उन्हीं में से पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में से पूछते हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप इस क्लास को मज़े से पढ़िए, ठीक है, और नोट्स को साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। इसके बाद में कृत्रिम कायिक परिवर्तन कि आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपोगेशन, ठीक है, के लाभ देखते हैं। नए पौधे में जनक पौधे के जैसे ही गुण होंगे। अब इसमें जो लाभ है, लाभ देते हैं कृत्रिम के अपन, कि कृत्रिम के अपने पास क्या क्या लाभ है। अपने को मात्र पौधे जैसे जैसे ही नए पौधे में गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है, नए पौधे जैसे अपने को गुण प्राप्त होते हैं। ग्राफ्टिंग द्वारा उगाए गए फलों के पौधों में फल बहुत ही पहले आने लगते हैं। मतलब जो ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे होते हैं उनमें क्या है कि जो फल आने मतलब जल्दी वर्दी होते हैं और फल जल्दी आते हैं। दूसरा लाभ है ग्राफ्टिंग किए हुए फलों में जल्दी फल आते हैं पौधों में, सॉरी। ठीक है, इसके बाद तीसरा लाभ अपने पर आरंभिक वर्षों में पौधों पर कम ध्यान देने की जरूरत होती है। मतलब आरंभिक जो प्रारंभ में जो दिन होते हैं उनमें कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसमें कम ध्यान दिया जाता है आर्टिफिशियल में प्रारंभिक के अंदर ही, इसके बाद में तो अपन को ध्यान दिया जाता है, प्रारंभिक में क्या कि कम ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में चौथा, एक ही जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। तो मतलब जो एक ही जनक मतलब एक मात्र पौधे से कई नए पौधे बना सकते हैं। कई पौधे, ठीक है। इसके बाद में अपने पास है बीज रहित पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे अपन बीज रहित पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। दिख रहा है दोस्तों आपको नीचे, बीज रहित पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, इसके अंदर दे रखा है बीज से तैयार पौधे तथा वानस्पतिक विधियों से तैयार पौधों में अंतर। मतलब जो बीज से तैयार पौधे होते हैं और जो वानस्पतिक विधियों से जो तैयार पौधे होते हैं उसमें क्या क्या अंतर है, मतलब लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन में क्या अंतर है। तो मैं आपको लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन बता रहा हूँ। तो पहली जो मैं लाइन बोलूँगा वो लैंगिक प्रवर्धन की होगी और जो दूसरी लाइन बोलूँगा वह अलैंगिक प्रवर्धन की होगी। तो ठीक है, आप दोस्तों साथ साथ बनाते जाए, मैं आपको बता दूंगा कि ये पहली लाइन है और जो अलैंगिक की सेकंड लाइन है, ठीक है। तो अपन पहली इधर लिख लीजिए आप बीज से तैयार पौधे और इधर लिख लिए राइट में लिख लिया अपन बीज मतलब वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार पौधे। तो अपन बीज से तैयार पौधे में लिखेंगे, पहली लाइन है बीज से तैयार पौधे, बीज से पौधा तैयार करना ही एक प्राकृतिक तथा सरल क्रिया है। अब इधर लिखेंगे अलैंगिक के अंदर, वानस्पतिक प्रवर्धन कार्य केवल कुशल व्यक्तियों के हाथों से जिनको अच्छा तकनीकी ज्ञान अभ्यास किया जाता हो। मतलब जिसके पास अच्छा तकनीकी हो या अच्छा ज्ञान हो कि वानस्पतिक प्रवर्धन से अपन दूसरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं, तो वहीं यह क्रिया कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता, हानि पहुँच सकती है। उसके बाद में दूसरा अपने लैंगिक प्रवर्धन के अंदर, बीज द्वारा तैयार पौधा अपेक्षाकृत अधिक आयु का पौधा होता है। जो बीज द्वारा अपन जो पौधा तैयार करते हैं वो क्या है कि अपेक्षाकृत अधिक आयु का पौधा होता है। अपन अलैंगिक प्रवर्धन की सेकंड लाइन देखते हैं, पौधों की अपेक्षाकृत कम आयु होती है। जो पौधों के इसके अंदर क्या है कि अपेक्षाकृत कम आयु होती है बीज की, परंतु अधिक उत्पादन देते हैं। जो वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं उसमें अधिक उत्पादन देते हैं और फलों की गुणवत्ता भी सर्वश्रेष्ठ होती है। इसके अंदर अपन लैंगिक प्रवर्धन के अंदर तीसरी देखते हैं, तो तीसरी के अंदर अपने पास है पपीता फालसा आदि कुछ फलों का प्रवर्धन केवल बीज से होता है। ये जो लैंगिक प्रवर्धन के अंदर जो कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके अंदर बीजों द्वारा प्रवर्धन होता है वो कौन कौन से होते हैं, पपीता फालसा आदि, ठीक है। इसके अंदर है कुछ पौधे जिन्हें बीजों द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। मतलब इसके अंदर अलैंगिक प्रवर्धन की तीसरी लाइन है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अपन जो बीजों द्वारा पौधे तैयार नहीं कर सकते। ऐसे कोई पौधे भी होते हैं जो जिसको अपन बीजों द्वारा अपन कभी तैयार ही नहीं कर सकते, अपन वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद में अपन चौथा देखते हैं लैंगिक प्रवर्धन की लाइन। बीज पौधे अधिक बड़े मजबूत तथा सूखा कीट व्याधि से अधिक प्रतिरोधक। इसमें क्या है कि जो बीज पौधे होते हैं वो एक तो अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है, और कीटों के प्रतिरोधक होते हैं। अब इसकी चौथी लाइन देते अलैंगिक की। पौधे अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते हैं तथा कम ऊंचाई के होते हैं। इसमें जो अलैंगिक प्रवर्धन होती है वो कम ऊंचाई के होते हैं। इस फल कारण पोषण संरक्षण को तुड़ाई की सुविधा रहती है। इसमें क्या सुविधा अच्छी रहती है तुड़ाई में, क्योंकि अगर छोटे पौधे होंगे तो आसानी से तोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है। इसमें फल लंबे समय के बाद निकलते हैं। जो लैंगिक प्रवर्धन होता है उसमें लंबे समय के बाद ही फल निकलते हैं, और जो अपना अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन होता है उसके अंदर क्या है कि फल जल्दी फलों का निर्माण जल्दी हो जाता है और पौधों की वृद्धि भी अधिक जल्दी होती है। इसके बाद छठा पॉइंट है, इनका प्रयोग प्रजनन क्रिया में किस्म तैयार करने में लिया जाता है, और इसमें क्या है कि नई किस्में तैयार करने में या मूल वृंत का प्रयोग नहीं लिया जाता है। और इसकी सातवीं पॉइंट अपने पास लैंगिक का। बीज पौधों में पैतृक गुणों का अभाव रहता है। जो बीज पौधे होते हैं उनमें पैतृक गुणों का अभाव होता है। इसके अंदर सात और दे रखा है लैंगिक में। गुणवत्ता में उन्नत श्रेणी के पौधे होते हैं, अपने पैतृक गुणों के समान होते हैं, ठीक है। इनमें अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त नहीं होते, ठीक है। और जो अलैंगिक में होता है जो अच्छे गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अपन है कलिकायन की करते समय अपन सावधानियां देख लेते हैं कि कलिकायन की अपन जो कलिकायन विधि करते हैं उसमें क्या क्या सावधानियां रखते हैं। इसके अंदर अपन रखते हैं मूल वृंत में अंकुर हर किसी उम्र के न होकर लगभग समान आए क्यों होते हैं। मतलब कलिकायन करते हैं तो मतलब मूल वृंत और अंकुर सा क्या कि मतलब एक ही उम्र के होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई 3 साल का है और कोई 5 साल का है, ऐसा मतलब डिस्टेंस इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके मान मूल ग्रंथ उस क्षेत्र की जलवायु में भूमि के अनुकूल तथा रोगों के प्रभाव वाला रोधी होना चाहिए। मतलब जो भूमि लेते हैं वो अच्छी उर्वरक होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है, या प्रतिरोधक होनी चाहिए कीटों के। इसके बाद तीसरी है, कलिका को मूल ग्रंथ पर रोपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसका कैम्बियम पूर्ण मिल जाना चाहिए। मतलब जो अपने शांकुर को मूलांकुर पर रखते हैं, ठीक है, शाखा को, तो उस टाइम अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ये कैम्बियम आता है ना तने पर, उस पर ही रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है लास्ट का अपने पास है फूटान केवल शांकुर शाखा से ही होने देना चाहिए। जो अपने पास जो फूटान होती है वो शांकुर शाखा से होनी चाहिए। जो अपने पास जो तना से मूलांकुर से होती है उस शाखा को अपने को काट देनी चाहिए। ओनली अपने को शांकुर शाखा से फूटान होनी चाहिए, तभी अपना जो पौधा नया पौधा है वो निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो अपना आज का जो लेक्चर था पाँचवा और छठा लेक्चर समाप्त हुआ। अपने पाँचवें और छठे लेक्चर के अंदर तीन क्लासें हो गई। तो इसके साथ अपन अगली क्लास चलेंगे, सातवीं क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन सातवीं क्लास कराएंगे, ठीक है। तो जब तक आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब मान लो इसको वीडियो को पॉज करके या कैसे जैसे भी आप वीडियो बनाइए, मतलब जो वीडियो अपने मैंने डाली है, ठीक है, उसको आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जैसे आपको मतलब कुछ नोट्स नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के, ठीक है, तो उसमें आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। किसी के भी आपको PDF वगैरह या नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।